बिस्मिल रहमान रहीम। ये सर मैं फैसल का जो एग्जेक्टिव बुला के अभी उधर मौजूद हूँ। ये बेसिकली आज मेरा स्पेशली फोकस था फैसल एग्जेक्टिव ब्लॉक को थोड़ा अपडेट करने का क्लाइंट्स को। बेसिकली चूँकि मैंने लास्ट टाइम इसकी वीडियो बनाई थी, आपने शायद देखी होगी कि ये जो खाका पड़ा हुआ है थोड़ा सा, या ये जो इधर पड़ा हुआ है, ये पिछले तकरीबन कोई 1.5-2 माह पहले जो है ना इधर वो कटाई स्टार्ट हुई हुई थी ना, जो खाका जो था ऑलरेडी जो पड़ा हुआ था उसको क्लियर कर रहे थे। ठीक है, तो अभी ये आज है दूसरा संडे और 18 तारीख है अप्रैल, 18 अप्रैल संडे, 18 अप्रैल है आज। और ये लास्ट वीडियो में भी आपने गौर किया होगा कि इधर जो खाका था अभी ये आपके सामने मौजूद है, ये खाका इन्होंने अब क्लियर कर दिया हुआ है, ठीक हो गया। और ये बिल्कुल पहाड़ों तक जो है ना इन्होंने वो सारा क्लियर कर दिया हुआ है। क्योंकि अगर मैं आपको बताता चलूँ तो ये इस टाइम जो मैं जो बेसिकली ये जो सीरीज़ आ रही है ये 300 की सीरीज़ है। ये वाला जो एरिया है ये 300 का एरिया है, 30-60 प्लाट्स हैं इधर, ठीक है। 200 के प्लाट्स वो इधर आ रहे हैं जो 75-70 हैं, उससे आगे जो 100 की सीरीज आ रही है वो आप देख सकते हैं, वीडियो में भी आ रहा होगा कि ये कनाल के प्लाट्स हैं बेसिकली, वो जो फ्रंट पे है। बैक साइड पे 40-80 आता है, उससे फिर पहले पीछे जो है वो 75-70, देन जो है ऑनवर्ड जो जा रहे हैं 30-60 और 25-50। ये 300 की सीरीज़ है 30-60 की एग्जेक्टिव ब्लॉक, ठीक है। और ये जो उससे जो आगे जा रहा है ना, ये पाइप उससे जो अगली गली है, ये आप कह सकते हैं कि 25-50 की सीरीज़ है, 400 से ऑनवर्ड जो है 500 तक जा रहे हैं। ये सारा एग्जेक्टिव ब्लॉक फैसले एग्जेक्टिव ब्लॉक है, ये आप देख सकते हैं। क्या ही ज़बरदस्त व्यू है, मुझे इस व्यू ने स्पेशली अट्रैक्ट किया है, तो मैं अभी इधर आया हूँ। बेसिकली ये था कि ये जो खाका है आपके सामने, ये इधर मशीनरी लगी हुई थी थोड़ी देर पहले, अभी हल्की सी बारिश स्टार्ट हुई है तो इन्होंने थोड़ा बहुत काम बंद कर दिया है। तो इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में ये सारा एरिया क्लियर हो जाएगा, ये जो खाका पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये तो ऑलरेडी मतलब क्लियर हो ही चुका है, ठीक है। ये बेसिकली वो जो जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है या वो जो मशीन खड़ी है, ठीक है, ये बेसिकली जो एरिया है स्पोर्ट कम्प्लेक्स और यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। अपने अगर आपने मैप पे वो गौर किया हो, पहाड़ों के दामन में स्पोर्ट कम्प्लेक्स भी होगा, यूनिवर्सिटी भी होगी, और इस तरफ जो एरिया ये वाला जो एरिया आ रहा है इंशाल्लाह इस एरिया में इसका जो मेन कमर्शियल है एग्जेक्टिव ब्लॉक का वो होगा। टोटल ज़बरदस्त कटाई वाला एरिया है माशाल्लाह से, खूबसूरत व्यू पहाड़ों के दामन में, बिल्कुल पहाड़ों के नीचे ये आ रहा है एग्जेक्टिव ब्लॉक। रिहाइश के हवाले से मैं स्पेशली प्रेफर करूँगा कि रिहाइश जिन्होंने भी मतलब इंटरेस्टेड है रिहाइश के हवाले से, तो वो फोकस करें इधर एग्जेक्टिव ब्लॉक में, क्योंकि ये ज़्यादातर एरिया मतलब बिल्कुल जीटी रोड वो सामने अगर आप देखें तो जीटी रोड गुजर है। तो जैसे ही आप एंटर होते हैं गेट से, मेन गेट से, तो स्टार्ट ही मेरा ये एग्जेक्टिव ब्लॉक इनका वो आ जाता है। तो मुझे बजाते खुद मतलब ये एक इसमें अलग झार में एग्जेक्टिव ब्लॉक, तो इस वजह से मैं प्रेफर करूँगा कि एक थोड़ा सा लिमिटेड से प्लाट भी हैं इधर और पीसफुल एरिया है, तो इस वजह से इधर ज़्यादा मतलब जो है ना पीसफुल लोगों के लिए पीसफुल एरिया ज़्यादा सूट करेगा। ये सामने आपके कनाल्स के प्लाट हैं जो ये नज़र आ रहे हैं, विलाज आप इसको कह सकते हैं, मस्जिद भी है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और आप ये देख सकते हैं ये आपके सामने सारा मौजूद है। और ऊपर का जो एरिया आ रहा है वो मतलब 30-60 आते हैं, 1200 की सीरीज़ है, फिर 1300 की सीरीज़ है, ठीक है। इस तरफ पार्क आ रहा है, पार्क के साथ मस्जिद है, और वो जो अगर आपने बाइक को देखा है जहाँ जा रहा है बाइक, ये बेसिकली कमर्शियल है, इनका मिनी कमर्शियल है 60 फुट रोड पर। ज़बरदस्त लिटरली आउट क्लास लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है इसकी, तो लाजमी आपको इस एग्जेक्टिव, चूँकि ये काफ़ी अर्से से थोड़ा रुका हुआ था, स्टक हुआ था, तो इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि आने वाले चंद ही हफ्तों में ये बड़ा पीक पर जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इस टाइप की इन्वेस्टमेंट, अगर आपने रिहाइश रखनी है तो आप प्लाट लें, और इधर जो है पोजेशनेबल एरिया है, आप आज प्लाट लें और सुबह आप कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक मैंने शॉर्ट सा व्यू देना था क्लाइंट्स को, तो लाजमी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ख़ास तौर पे फैसल के किसी भी ब्लॉक में ले इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में, और स्पेशली रमजान के बाद एक आपको टोटल यूनिक एक नक्शा चेंज मिलेगा फैसल का इंशाल्लाह। तो अगेन पहाड़ों के दामन में रिहाइश हो तो क्या ज़बरदस्त व्यू होता है, और लाजमी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई भी क्यूरीज हो तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह, एंड पर वो आपको जो है नंबर वो शो हो जाएगा मेरा स्क्रीन पर, ठीक है जी, थैंक यू।